हेलो फ्रेंड्स, एक्सपर्ट यूथ्स में आपका स्वागत है। आपके साथ है साक्षी शर्मा। तो हम बात कर रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर्स की। अब हम इसमें स्पीड कंट्रोल के बारे में जानेंगे। स्टार्टर वोल्टेज कंट्रोल से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्पीड को वेरी करेंगे सप्लाई वोल्टेज से, और जो हमारा टी है टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के स्क्वायर से। जो हमारी स्लिप होती है चेंज इन स्पीड, जो स्टार्टर स्पीड में से रोटर स्पीड को माइनस करते हैं अपॉन स्टार्टर स्पीड होती है, वो मैक्सिमम टॉर्क पे वोल्टेज के इंडिपेंडेंट होती है। और जो हमारा वोल्टेज कम होता है वो स्पीड को कम करता है उतने ही करंट पे जितना मोटर हमारा डेवलप करता है। मतलब कि हमारा करंट सेम है, पर अगर हम वोल्टेज रिड्यूस कर देंगे तो करंट सेम ही रहेगा पर हमारी स्पीड कम हो जाएगी। और लो टॉर्क जब होता है तो वो हम लो अप्लाइड वोल्टेज से ही निकाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी कंट्रोल पे। फ्रीक्वेंसी वेरी करके भी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज चेंज हो जाएगा, उससे एयर गैप जो फ्लक्स होता है वो चेंज होगा, और जो स्पीड होगी हमारी वो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स को डिमांड करेगी। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, इन्वर्टर है, उसमें हम फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हैं तब जाके मेन्स और इन्वर्टर पे लोड आता है। और जो हमारा साइक्लो कन्वर्टर होता है, बेसिकली साइक्लो कन्वर्टर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पे। तो रोटर में जो रेजिस्टेंस है स्लिप रिंग्स में जो लगा हुआ है उसको चेंज करें तब भी चेंज हो जाती है स्पीड। मैक्सिमम टॉर्क होता है वो डिपेंडेंट होता है रोटर रेजिस्टेंस के। तो आर की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी वैसे ही स्लिप की वैल्यू बढ़ेगी। और जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क है उसमें करंट जो होता है लो होता है, लो स्टार्टिंग करंट होता है, और लार्ज पुल आउट टॉर्क होती है कम वैल्यूज़ पे। एफिशिएंसी कम होती जाती है, पर ये बहुत चीपर सा मेथड है सो इट कैन बी यूज्ड। फिर स्टार्टिंग मेथड्स पे आते हैं तो डायरेक्ट ऑनलाइन मेथड है, जिसमें हमारी मोटर जो है मोटर से कनेक्टेड होगी बाय मीन्स ऑफ अ मोटर। इसमें कॉइल लगाएंगे हम, सी बटन्स लगे होते हैं प्रेस कर, वो एनर्जाइज करते हैं हम लाइन कंडक्टर से। मेन कॉन्टैक्ट्स एम एंड ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ए क्लोज करेंगे, ए और बी को हम शॉर्ट सर्किट रखते हैं। तो जैसे ही हमने प्रेशर रिलीज किया ये कॉइल स्टे एनर्जाइज हो जाएगी। उसके बाद आते हैं स्टार डेल्टा कनेक्शन पर। अभी 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में इतना ही। एक्सपर्ट यूट्स को देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक, यूट्यूब एंड गूगल प्लस पर। थैंक यू।